नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। लोकसभा चुनाव 2024 के वक्त जब बीजेपी 400 पार का दम भर रही थी, तब कांग्रेस जैसी बाकी विपक्षी दलों ने एक साथ आकर इंडिया गठबंधन की नींव रखी। संविधान और आरक्षण के खतरे में होने का दावा करना इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं बड़ा फायदा भी पहुंचा गया। खासकर यूपी में कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने पीडीए वाले फॉर्मूले को खूब भुनाते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव की लीडरशिप में न सिर्फ समाजवादी पार्टी ने चौंकाने वाली जीत दर्ज की, बल्कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी उभरी। जीत के बाद भी सपा और कांग्रेस के बीच दमदार बॉन्डिंग देखने को मिली, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं जिससे साफ होता है कि यूपी में इंडिया गठबंधन में बड़ी टूट होने वाली है। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, हाल ही में सपा कांग्रेस दोनों की तरफ से जो बयान और फैसले सामने आए हैं वो खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर के चुनावी मैदान में सपा ने 20 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करके वहां पहले से ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बने बनाए समीकरणों को पशुपेश में डाल दिया है, तो वहीं यूपी में भी जल्द होने वाले उपचुनावों में सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच पेंच उलझता नजर आ रहा है। लेकिन इन सबके बीच अब खुद सपा चीफ अखिलेश यादव राहुल गांधी से ही बिफरे से नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने हाल ही में राहुल गांधी के एक बयान को लेकर सवाल पूछे जाने पर जो कहा उससे कांग्रेस के बेशक कान खड़े हो गए हैं। असल में एक इंटरव्यू के दौरान अखिलेश यादव ने अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी के एक स्टेटमेंट के बारे में बात करते हुए चौंकाने वाली प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर अखिलेश ने एक साक्षात्कार में कहा कि बयान की पहली लाइन गलत है। उन्होंने कहा कि जो स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने दिया उसमें पहली लाइन गलत थी, बाकी सब ठीक था। आरक्षण की लड़ाई बहुत लंबी रही, इतिहास बहुत लंबा रहा, कहां कहां लोगों को लड़ना पड़ा तब जाकर अधिकार मिला। वहीं अपने इस इंटरव्यू के दौरान अखिलेश यादव ने राम मंदिर, यूपी में एनकाउंटर्स, लेटरल भर्तियों जैसे तमाम मुद्दों पर बीजेपी को भी पानी पी पी कर कोसा, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर राहुल के बयान को लेकर अखिलेश यादव के इस करेक्शन ने कई तरह की सुगबुगाहटों को हवा दे दी है। अब एक बार जरा आपको ये भी बता देते हैं कि राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर क्या कहा था कि इस पर बीजेपी ही नहीं बल्कि उनके खुद के साथी भी आंखें तरेरते नजर आ रहे हैं। भारत में आरक्षण कब तक चलेगा, इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में कहा था कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा। जब आप वित्तीय आंकड़ों को देखते हैं तो आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलते हैं और ओबीसी को भी लगभग इतनी ही रकम मिलती है। वहीं राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर भी अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि भारत के दलित, ओबीसी, आदिवासी को उनका हक नहीं मिल रहा है। देश के 90% आबादी वाले ओबीसी, दलित और आदिवासी इस खेल में ही नहीं है। जातिगत जनगणना ये जानने का आसान तरीका है कि निचली जातियां, पिछड़ी जातियां और दलित किस स्थिति में हैं। वही राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी से लेकर बीएसपी तक ने कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी होने जैसे कई आरोप लगाए और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर मोर्चाबंदी की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी को घेरते हुए एक्स पर पोस्ट करके लिखा था, अब कांग्रेस पार्टी के सर्विस सेरवा राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें जिसमें उन्होंने विदेश में ये कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी आरक्षण को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के DNA में ही आरक्षण विरोधी नीतियां हैं। राहुल गांधी ने विदेश में जाकर लोकतंत्र का न केवल मजाक उड़ाने का काम किया बल्कि संविधान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए आरक्षण का भी मजाक उड़ाया। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का विदेशी धरती पर यह कहना कि आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए उसकी संविधान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। हालांकि बवाल बढ़ता देखकर बाद में राहुल गांधी ने सफाई देते हुए ये भी कहा था कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा करेगी।
उन्होंने कहा कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, कांग्रेस तो सभी की भागीदारी के लिए राजनीति कर रही है। वहीं गठबंधन में राहुल के एक और खास साथी तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी के समर्थन में बचाव करते नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग संविधान और आरक्षण विरोधी हैं। राहुल गांधी कई बार आरक्षण को बचाने की बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अफवाह पार्टी है, बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। वैसे तो राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पहले दिन से ही विवादों में रही थी, लेकिन अमेरिका में आरक्षण पर राहुल गांधी के इस बयान पर जहां तेजस्वी यादव उनका बचाव करते दिखे, तो अखिलेश यादव ने उनकी बात को खुले मंच से गलत करार दे दिया। विरोधी दल कह रहे हैं कि राहुल गांधी विरोधी हैं और राहुल सफाई दे रहे हैं कि वो तो पहले जैसे ही हैं। लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने आरक्षण को मुद्दा बनाया था और संविधान की दुहाई देते हुए कहा था कि वो आरक्षण की 50% की सीमा को समाप्त कर देंगे। ऐसे में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच आरक्षण को लेकर फिलहाल खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन मतभेद के साथ मनभेद का बीज पनपता जरूर दिखाई दे रहा है, जो गठबंधन के लिए अच्छा संकेत हरगिज नहीं कहा जा सकता। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर हमें अपनी राय जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।